इन अ ग्लास म्यू इक्वल्स टू 1.5 स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर देयर इज एन एयर बबल बी एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ठीक है फ्रॉम सी द डिस्टेंस ऑफ बबल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए स्फीयर एज ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट पी ठीक है इन एयर विल बी यहां से ऑब्जर्व करने पर हमें क्या डिस्टेंस दिखेगा इसका ठीक है एक काम करते हैं यहां से रे जाएगी और इससे निकलेगी क्लियर है ओके ठीक है इधर इधर से ही तो निकलेगी अब यहां पे हमारी इधर आईज है हमारी ये आंखें हैं हमारी हम देख रहे हैं तो हमें जो अपीयर होगा वही तो देखेंगे तो म्यू टू माइनस जिधर रे जाएंगी उधर ही तो म्यू टू लेते हैं वन बाई वी माइनस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बाई यू कितना है 10 5 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आर और आर क्या है माइनस में कितना माइनस 10 तो 1 बाई वी कितना आया 1 बाई वी आया माइनस 0.5 अपॉन माइनस 10 प्लस सॉरी प्लस माइनस 1.5 यानी 1 बाई 10 देखिए 1 बाई वी इक्वल्स टू ये हो गया 5 बाई 100 यानी 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 10 माइनस ठीक है तो v इक्वल्स टू 20 बाई माइनस 1 माइनस 20 यानी 20 सेंटीमीटर पे अपीयर होगा ये है तो देखा हुआ तो 15 सेंटीमीटर पे है पर 20 सेंटीमीटर पीछे अपीयर होगा ठीक है